आई विवान, गुड मॉर्निंग। तो कल रात मैं ऑलमोस्ट 12-13 घंटे सोई होंगी और इतनी अच्छी नींद आई है ना मुझे, इतनी थकान के बाद जब इतनी लंबी नींद लेते हो ना तो आंखें, फेस सब स्वेल्ड अप हो जाता है, और वैसे ही भी मेरे साथ हो रहा है। तो अभी मुझे 4 बजे मीटिंग के लिए जाना है। पहले सुबह कॉल आया था कि आज नहीं होने वाली है, कल होगी, बट देन लेटर आई गॉट अ कॉल कि 4 बजे मीटिंग है। तो अभी फटाफट से उठते हैं, 1:30 बज रहा है, 2 बजने वाले हैं मतलब, तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है, तो चलो उठते हैं। तो आपको मेरे लास्ट व्लॉग से पता चल ही गया होगा कि वेकेशंस खत्म हो चुकी है एंड आई एम बैक इन बॉम्बे। कल ही मैं मुंबई पहुंची एंड आज मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। एंड द गुड न्यूज इज दैट टुडे आई एम गोइंग टू साइन फॉर माय न्यू शो। इट्स फॉर एन OTT ऐप और ये कुछ 25-30 एपिसोड्स का होने वाला है एंड इसका 1 मंथ का ही शूटिंग स्केड्यूल है। तो लेट्स सी। फटाफट मैं उठी, विंडोज वगैरह ओपन की, मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगी बिकॉज 2 बज रहे थे, बट यस, उठ के जो मैं नॉर्मली करती हूँ, गर्म पानी विद 1 स्पून ऑफ घी, वो मैंने पिया, फिर नहा धोकर रेडी हुई। तब तक मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की, वो आई, घर गई थी, तो यहाँ ऑलमोस्ट मेजर चीज़ें खत्म हो चुकी थी। तो जब डीमार्ट जाने का प्लान करूंगी तब सारी चीज़ें फिल करूंगी, बट अभी के लिए छोटा मोटा सामान ही मैंने ऑर्डर किया है। साल में मैंने बनाई चाय, 1 घंटे में मुझे निकलना था, वही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, देन मम्मा ने याद दिलाया कि सिड्डू है ना पड़े हुए, वो खा ले, वरना मैंने सोचा था कि ब्रेड ऑर्डर करूंगी, बट सिड्डू के आगे बाकी सब फीका है। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट भी फटाफट रेडी हो गया था, वो खाया। And then I got ready with my final checks. फिर मुंबई के ट्रैफिक, मुझे लगा था लेट हो जाऊंगी, बट देन आई रीच्ड ऑन टाइम। आई साइन माई कॉन्ट्रैक्ट एंड साथ ही डायरेक्टर सर के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन की भी मीटिंग थी, एंड देन स्क्रिप्ट लेकर आई वेंट बैक होम। सो आई हैव जस्ट रीच्ड होम और मीटिंग अच्छी हुई। कल मुझे वापस जाना है, 7:30 का कॉल टाइम है, तो लेट्स सी। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, बट अभी मुझे बहुत सारा काम भी रहता है करने को, कपड़े वगैरह जो मुझे धोने के लिए डालने हैं, और आज खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो आई एम गोइंग टू ऑर्डर सम गुड फूड, बट उससे पहले फ्रेश हो जाते हैं। बेडशीट्स वगैरह धोने को डाली, विच आई चेंज यस्टरडे, एंड फिर फ्रेशन अप होकर आई ऑर्डर्ड पनीर टिक्का मसाला विद सम रोटीज फॉर डिनर। नेक्स्ट डे लुक टेस्ट था, तो सारी ज्वेलरी घर पर ही निकाल कर गई थी, मेकअप स्टार्ट किया एंड कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा था। आज बस लुक टेस्ट है, मतलब लुक अप्रूवल के लिए जाएगा चैनल को, एंड कोई भी चेंजेस होंगे मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेयर में, वो सारे चेंज होकर के फाइनल अप्रूवल आएगा जिसमें पूरा शो शूट किया जाएगा। इस दिन मैं काफी लेट फ्री हुई थी, एंड देन नेक्स्ट डे जो भी बैग्स वगैरह थे वो अनपैक किए, एंड लुक हूज हियर। मैं जब से आई हूँ ना, मैं तब से नीचे अपनी सोसाइटी में देख रही थी कि ये कहाँ है, मुझे कल भी नहीं मिली और आज भी ये अचानक से दरवाजे पे आ गई। एक ऑर्डर आया था तो मैंने देखा यार ये अचानक से घर पे आ गई, और ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं इसको देख रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसे देखकर, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ये वापस आई। मैंने अभी इसे खाना वगैरह दिया है एंड अभी बैठी है, ज़बरदस्ती बिठाया है मैंने इसे, अभी खुद बैठ चुकी है, वरना नहीं बैठ रही थी। आप उठ सकते हैं, अभी अभी आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। मैं सोने की उसमें आ गई, अभी तक मुझे गुस्सा कर रही थी कि मुझे उतार, मुझे क्यों ज़बरदस्ती बिठाया है। अभी कैसे बैठ गया तू, अभी कैसे बैठा, अभी कैसे सो रहा है, अभी कैसे छोड़ा है। ऐसे प्यार से सोई हुई थी ना ये, मैंने इसे यहीं सोने दिया, तब तक आई थॉट टू सेटल माई थिंग्स। एक ही दिन का ऑफ है, फिर बैक टू बैक शूट होने वाला है, तो आई थॉट टू यूटिलाइज दिस डे, तो यहाँ मैंने सारा सामान अनपैक किया। एंड सरप्राइज, आई फाइनली बॉट दिस झाड़ू, मुंबई की सैर करने वाला है ये भी, एंड दिस इज हाउ वी यूज इट इन किचन काउंटर टॉप्स क्लीन करने के लिए। सो हियर आई डेडिकेटेड अ स्पेस फॉर ऑल माई बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स, वरना ये कपड़ों के साथ मिक्स होकर मिलते ही नहीं थे। फिर सारी छोटी मोटी चीज़ें जो बेड पर बिखरी पड़ी हुई थी वो समेटी, बैग्स वगैरह बेड बॉक्स में रखे, एंड बाय द टाइम आई क्लीन एवरीथिंग मेरे फ्रेंड्स आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
सो इन स्टार्ट मी एंड स्वाति वॉज फर्स्ट सर्चिंग फॉर द फ्लैट टुगेदर, बट उस टाइम हमें जो घर पसंद आया था उसका पोजीशन हमें इमीडिएट नहीं मिल पाया, एंड गेस व्हाट, इट वाज द सेम फ्लैट नेक्स्ट टू द वन इन विच आई करंटली लिव. तो अभी बस वो अवेलेबल था, आई टोल्ड हर टू शिफ्ट हियर, तो बस अभी वो फ्लैट देखने के लिए आई थी, एंड सून शी इज गोइंग टू शिफ्ट हियर. तो बस हमने घर देखा, फिर मेरे घर आए, हमने चाय पी, बहुत सारी गप्पे मारी, एंड देन शाम को वी ऑल वेंट आउट टू ईट बर्गर. तो इन्होंने मुझे कहा जिमी का बर्गर बहुत अच्छा होता है, आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, बट ये सब नॉन वेजिटेरियंस है और इन्होंने उसी एक्सपीरियंस से कहा था. अब मुझे इतना बाहर का खाने का आइडिया है नहीं, स्पेशली न्यू प्लेसेस, तो मैंने कुछ पेरी पेरी पनीर बर्गर समथिंग मंगवाया था. फर्स्ट बाइट में मुझे ठीक सा लगा, बट देन सेकंड थर्ड बाइट में मुझे इतना खराब लगा कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एंड फिर यहाँ से मैं घर गई, एंड कल का डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट. हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो टुडे इज माई फर्स्ट डे ऑफ शूट, एंड आई एम लिटिल नर्वस, आई एम एक्साइटेड, आई एम ऑल बैक टू द सेट्स. तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट यस, थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है ना, जो पहले पहले होती है वो भी मुझे साथ में हो रही है, बट यस, आई एम सो एक्साइटेड. और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, खाना वगैरह मैंने सुबह बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और अभी मैं बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. कल रात को मैंने दाल चावल बनाया था, राजमा की दाल बनाई थी, तो अभी वही ब्रेकफास्ट के लिए करने वाली हूँ. पहले मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ, बट मैं लेट नहीं हुई हूँ, आई हैव टाइम, 10-15 मिनट्स टाइम, तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. बिना ब्रेकफास्ट के मैं निकल ही नहीं सकती, फिर चाहे सुबह सुबह दाल चावल ही क्यों ना हो, मैं सब खा सकती हूँ. फिर कचरे का बैग बाहर रखा, लंच बॉक्स पैक किया, बॉटल वगैरह रखी, बाकी का मेकअप पाउच वगैरह मैंने कल रात को ही रेडी करके रखा था, एंड आई एम ऑल रेडी. एंड फॉर मी स्कूटी इज़ वेरी कन्वीनियंट, तो मैं उसी से जाती हूँ. तो आज है मेरा फर्स्ट डे, एंड वी स्टार्टेड विद मेकअप, है ज्वेलरी, पूरा लुक डिस्क्लोज नहीं कर सकती टिल द टाइम शो रिलीज नहीं होता, एंड आई एम सो सो एक्साइटेड टू शेयर ऑल द बीटीएस, बट ऑन द राइट टाइम. एंड यू गाइज वोंट बिलीव, फर्स्ट डे था, मुझे इतने छोटे बेबी के साथ शूट करना पड़ा, आई वॉज लिटिल स्केयर टू होल्ड हिम, बट आई लव किड्स, तो मुझे तो बहुत मजा आया. देन आई हैड माई लंच, एंड फिर अराउंड 10:30 पैकअप हुआ. आई फाइंड इट वेरी हैवी कैरिंग दिस फुल मेकअप लुक होम, तो मैं सेट से ही ये मेकअप रिमूव करके जाती हूँ. फर्स्ट डे ऑफ शूट, एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स. आज ये सारे ब्रेकआउट्स आने थे और ये होना था. आई होप कल मेरी स्किन थोड़ा अच्छा करे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो आई हैव जस्ट रीच्ड होम, और आज इतना अच्छा लगा ना शूट करके, इतने टाइम बाद सेट पे जा कर के शूट करना, इट फील्स सो गुड. आई एम जस्ट लिटिल कंसर्न्ड अबाउट माई फेस, ये तो एक्ने सुबह बहुत ज़्यादा कम थे, बट बाय द एंड ऑफ द डे मेकअप लग लग करके, इधर उधर से इन्फेक्शन, इतने सारे हाथ लग रहे हैं, उस वजह से भी ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, और आज मेरा क्लोज नहीं लगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू एक्नेस. लेट्स सी ये कल तक सेटल हो जाए, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. अब मैं फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ. खाना मेरे पास कल का पड़ा हुआ है, राजमा चावल है, जो मैं शायद बहुत टाइम तक खा सकती हूँ, और दो दिन में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं, मतलब कल ही बनाया था, कल दिन को बनाया था, तो अभी के लिए मैं खा सकती हूँ, तो अभी मैं वो भी खाऊँगी. वैसे मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, वो भी है, वो भी खाऊँगी, एंड उससे पहले मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, एंड फिर कल मिलते हैं. सो दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई एक्नेस, और ये ठीक नहीं हुए. तो मुझे ना काफ़ी टेंशन हो रहा था कि इंट्रो लुक के क्लोजेस ना हो, बिकॉज अभी तक एक्ने सेटल नहीं हुए थे, बस एक दिन और चाहिए था, एंड लकीली आज भी क्लोजेस नहीं हुए, एंड बस एक और दिन एक्ने सेटल हो जाएंगे तो लुक भी ठीक आ जाएगा. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी वर्क इन फ्रंट ऑफ कैमराज, फेस, हेयर, बॉडी, हर एक चीज़ पर काम करना पड़ता है, विच एट टाइम्स विद हेक्टिक स्केड्यूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, नो कंप्लेंट्स. एंड आज रक्षाबंधन था और सुबह से ही बैक टू बैक सीन्स थे, तो चलते चलते भैया को विश करके बोल पाई कि खुद ही राखी बांध ले. हजारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है. देख देख देख, आई जस्ट रीच्ड होम, और आज का दिन अच्छा रहा. आई होप आप लोगों की भी राखी बहुत अच्छी गई होगी. मुझे इतना टाइम नहीं लग पाया भैया से बात करने का भी, बीच में लंच ब्रेक थी तब मैं उसे कॉल कर पाई थी, एंड देन आई विश्ड हिम हैप्पी राखी. और बीच में मैं कोशिश करके सोची थी एक स्टोरी, एक इंस्टा पोस्ट तो पोस्ट कर दूँ, बट वो फिर जा करके बाद में मैं कर पाई,
बिकॉज बहुत एक्टिव स्केड्यूल है, मॉर्निंग टू नाइट बैक टू बैक सीन्स लगे हुए हैं एंड वही हो रहा है। अभी मैं पहुंच रही हूँ, 11 बज रहे हैं, मुझे डिनर भी बनाना है, खाना भी है। सुबह मैं तो ब्रेकफास्ट बना के भी नहीं गई बिकॉज सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी बनाने की, तो मैंने सोचा सेट का ही खाना खा लूँगी, कोई बात नहीं। बट अभी मैं देखती हूँ कुछ बनाऊँगी, कुछ खाऊँगी एंड उससे पहले ये सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। एंड ये हाथ में आलता वगैरह लगता है वो तो बिल्कुल रिमूव नहीं होता है और पैरों से तो बिल्कुल नहीं निकलता है, उसके लिए मुझे रात को सॉक्स पहन करके सोना पड़ता है बिकॉज बेडशीट पूरी रेड हो जाती है, तो टू अवॉइड मैं सॉक्स पहनती हूँ। एंड अभी मैं नहाने जाती हूँ। आई होप आपकी राखी बहुत अच्छी गई होगी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। Please do like, share, comment, subscribe to my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye. Take care. तो अभी मैं जस्ट सोने ही जा रही थी एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने ना अपने ये ऊपर वाली दो पियर्सिंग के गोल्ड इयर रिंग्स निकाले थे एट द टाइम ऑफ मेकअप एंड एवरीथिंग, तो ज्वेलरी वही देते हैं बट मुझे लगा इन दो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे बोला कि ये निकालने पड़ेंगे और मैंने वो टिश्यू में रैप करके अपने मेकअप पाउच में डाल दिए और पिछले कल और मैं भूल गई उससे निकालना और अब वो मेरे मेकअप पाउच में है ही नहीं, अब मैंने वो खो दिए, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ गए। वापस बनाने पड़ेंगे, वापस खर्चा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है।